नमस्कार, मैं अखिलेश कुमार NIOS के DL.ED की इस कक्षा में आपका स्वागत करता हूँ। इससे पहले की कक्षाओं में आपने जाना कि सूचना एवं संप्रेषण प्रौद्योगिकी क्या होता है, सूचना एवं संप्रेषण प्रौद्योगिकी के उपकरण कौन कौन से हैं। अब सवाल ये उठता है कि सूचना एवं संप्रेषण प्रौद्योगिकी के जो उपकरण हैं, इन उपकरणों का अलग अलग बहुत सारे उपकरण हैं, तो ऐसे में इन उपकरणों का कक्षा कक्ष में समेकन कैसे करें। और इस टॉपिक पर चर्चा करने के लिए आज हमारे साथ मौजूद हैं डॉक्टर गिरीश कुमार तिवारी, जो कि महिला महाविद्यालय काशी हिंदू विश्वविद्यालय के शिक्षक हैं। गिरीश जी, स्वागत है आपका। जी नमस्कार। गिरीश जी, जैसा कि वर्तमान समय में अलग अलग शिक्षा जैसा कि वर्तमान समय में सूचना एवं संप्रेषण प्रौद्योगिकी का अलग अलग क्षेत्रों में बहुत उपयोग हो रहा है, शिक्षा के क्षेत्र में भी उसका उपयोग बहुत हो रहा है, और इसके कई सारे उपकरण हैं, मल्टी वैरायटी ऑफ डिवाइसेज आर देयर, कई वैरायटीज के उपकरण हैं। तो ऐसे में एक सवाल उठता है कि इन सारे उपकरणों का समेकन कैसे करें। आज की कक्षा में हम आपके साथ चर्चा करेंगे इसी पर कि सूचना एवं संप्रेषण प्रौद्योगिकी के विभिन्न उपकरणों का कक्षा कक्ष में समेकन कैसे करें। तो इस चर्चा को आगे बढ़ाते हुए सबसे पहले हमारे दर्शक जानना चाहेंगे कि वस्तुतः ये समेकन क्या है। अखिलेश जी, समेकन का जो सामान्य अर्थ होता है वो शामिल करना होता है, अर्थात किसी एक वस्तु को दूसरे वस्तु के साथ या किसी एक तत्व को दूसरे तत्व के साथ मिला देना, सम्मिलित करना और फिर उनका सम्मिलित प्रयोग करना। तो जब बात सूचना संप्रेषण प्रौद्योगिकी की आती है तो सूचना संप्रेषण प्रौद्योगिकी का शिक्षण अधिगम में समेकन को हम इस प्रकार परिभाषित कर सकते हैं कि यह एक ऐसी प्रक्रिया है जिसमें विद्यार्थियों के अधिगम में प्रभावी वृद्धि के लिए सूचना संप्रेषण प्रौद्योगिकी के किसी भी उपकरण, जिसमें कि वेब आधारित सूचना स्रोत एवं सीडी रोम या डीवीडी रोम में भंडारित मल्टीमीडिया प्रोग्राम आदि शामिल होते हैं, का शिक्षण अधिगम में प्रयोग किया जाता है। अर्थात यह एक प्रक्रिया है जिसमें कि सूचना एवं संप्रेषण प्रौद्योगिकी के उपकरणों का शिक्षण अधिगम की प्रक्रिया में प्रयोग किया जाता है। जी, लेकिन प्रयोग शब्द यहाँ पर सामान्य अर्थों में नहीं है। सामान्य अर्थ से हमारा ये आशय है कि सिर्फ हम किसी हार्डवेयर को या सॉफ्टवेयर को कक्षा कक्ष में प्रस्तुत कर देते हैं या उसका सामान्यतः प्रयोग कर देते हैं तो हम उसको समेकन नहीं नहीं कहेंगे। कहेंगे। प्रयोग शब्द का बड़ा ही विस्तृत अर्थ यहाँ लिया जाता है। समेकन के संदर्भ में जब बातचीत की जाती है तो जी बहुत ही व्यापक अर्थ में उसे देखा जाता है, जो कि कब, कहाँ और कैसे के ज्ञान पर आधारित होता है। जी अर्थात सूचना संप्रेषण प्रौद्योगिकी के उपकरण का कक्षा कक्ष में कब, कहाँ और कैसे प्रयोग किया जाए, इस ज्ञान के साथ सूचना संप्रेषण प्रौद्योगिकी का कक्षा कक्ष में प्रयोग करना ही समेकन कहलाता चलाता है। है। चूंकि समेकन एक चुनौतीपूर्ण कार्य है, जी, यह इतना सरल कार्य नहीं है जितनी सरलता से हम लोगों ने इसे कह दिया, इसकी व्याख्या कर दी। चुनौतीपूर्ण कार्य है, इसलिए बहुत ही सावधानी के साथ हमें इसका प्रयोग करना पड़ता है। जी सिर्फ कार्यकारी ज्ञान किसी भी प्रौद्योगिकी का या किसी भी प्रौद्योगिकी के उपकरण का सिर्फ कार्यकारी ज्ञान जो है वो समेकन प्रक्रिया के लिए उपयोगी नहीं नहीं है। होता है। तो इसलिए हमें उपयुक्त ज्ञान के साथ परिस्थिति का भी उपयुक्त ज्ञान लेना पड़ता है कि किस परिस्थिति में कौन सा उपकरण सही होगा, होगा, तो बहुत ही सावधानी पूर्वक हमें हमें इसका प्रयोग करना पड़ता है। चयन करना होता है सावधानी पूर्वक जी कि कौन कौन से उपकरण काम आएंगे और उनका हम एकीकरण कैसे कर सकते हैं, उनका जी समेकन जी कैसे कर सकते हैं। डॉक्टर गिरीश, जैसा कि आपने बताया कि यह एक प्रक्रिया है जी सूचना एवं संप्रेषण तक प्रौद्योगिकी के उपकरणों का जी जी समेकन, जी तो ऐसे में अगर ये प्रक्रिया है तो जाहिर सी बात है कि ये एक से ज़्यादा चरणों में संपन्न होती जी होगी।
तो ऐसे में आप हमारे दर्शकों को इस पर प्रकाश डालें कि इसके चरण कौन कौन से हैं, सूचना एवं संप्रेषण प्रौद्योगिकी के जो उपकरण हैं उनके समेकन के कौन कौन से चरण हैं। सामान्यतः समेकन के संदर्भ में चार सोपानों की बात की जाती है, यानी यह कहा जा सकता है कि शिक्षण अधिगम में सूचना संप्रेषण प्रौद्योगिकी के समेकन के चार सोपान हैं। जी जी। पहला सोपान खोज एवं सामान्य जानकारी का होता है जी। दूसरा सोपान अधिगम एवं अनुप्रयोग का होता है जी। तीसरा सोपान संलयन का होता है जी। और चौथा एवं आखिरी सोपान जो है वो रूपांतरण का होता है जी। अब जानकारी अगर विस्तृत रूप से इन सोपानों की ले जाए तो खोज एवं सामान्य जानकारी की जो है वो प्रक्रिया का प्रथम सोपान है, यानी सबसे पहले समेकन करने के संदर्भ में या जब हम सूचना एवं संप्रेषण प्रौद्योगिकी का कक्षा कक्ष में समेकन करने चलते हैं तो सबसे पहले हमें यानी शिक्षकों को एवं विद्यार्थियों को दोनों को सूचना संप्रेषण प्रौद्योगिकी के जो विभिन्न उपकरण हैं उनकी खोज करनी पड़ती है, क्योंकि कुछ उपकरण तो हमें प्रत्यक्षतः दिखते हैं, कुछ उपकरण होते तो जरूर हैं लेकिन उसकी जानकारी हमें नहीं होती है कि इस तरह के उपकरण भी मौजूद हैं। तो कुछ उपकरण हमें दिखते हैं और कुछ नहीं दिखते हैं, यानी हमें जानकारी नहीं होती है, तो उसकी खोज हमें करनी पड़ती है और उसके सामान्य कार्य एवं उपयोग, यानी उस तकनीकी का, उस उपकरण का कार्य क्या है, उसका उपयोग क्या है, इसकी भी सामान्य जानकारी हमें एकत्रित करनी पड़ती है। ये इस समेकन की प्रक्रिया का पहला सोपान होता है। दूसरे सोपान पर हम अधिगम एवं अनुप्रयोग की बात करते हैं। अधिगम एवं अनुप्रयोग, अधिगम यानी कि सीखना और अनुप्रयोग उसका प्रयोग करना जी। तो जब हमें जानकारी प्राप्त हो जाती है कि ये उपकरण हमारे पास उपलब्ध हैं तो उन उपकरणों का हम सीखते हैं कि ये उपकरण काम कैसे करते हैं, हम इन पे कैसे काम करेंगे और फिर विभिन्न विषयों के शिक्षण में हम उनका उपयोग करते हैं, यानी यहाँ से इसके उपयोग की शुरुआत हो जाती है। तीसरा सोपान संलयन का है। संलयन शब्द का अर्थ सम्मिश्रण से है, सम्मिलन से है, कई चीजों को एक साथ मिला देने से है। तो इस सोपान पर सबसे पहले तो उन परिस्थितियों की पहचान की जाती है जिसमें सूचना संप्रेषण प्रौद्योगिकी उपयोगी हो सकती है। इस पड़ाव पर आकर शिक्षकों एवं विद्यार्थियों में यह समझ विकसित हो जाती है कि किसी विशिष्ट उद्देश्य के प्रति या किसी विशिष्ट उद्देश्य की प्राप्ति के लिए सूचना एवं संप्रेषण प्रौद्योगिकी का कैसे एवं कब प्रयोग किया जाए। इसके साथ ही शिक्षकों एवं विद्यार्थियों में किसी परिस्थिति विशेष में किसी कार्य विशेष के संपादन के लिए सर्वाधिक उपयुक्त उपकरण का चुनाव करने तथा उसका प्रयोग करने की योग्यता का भी विकास हो जाता है जी। तो इस सोपान में इस प्रकार हम देख रहे हैं कि इसको संलयन की संज्ञा दी गई है, तो यहाँ पर शिक्षक एवं विद्यार्थी दोनों में कई प्रकार की योग्यताओं का सम्मिलन हो रहा है जी। जैसे सूचना संप्रेषण प्रौद्योगिकी के अनुकूल परिस्थिति की पहचान करने की योग्यता, कार्य विशेष को संपादित करने के लिए सर्वाधिक उपयुक्त प्रौद्योगिकी के चुनाव की योग्यता, उनके प्रभावी प्रयोग की योग्यता आदि, ये सारी योग्यताएं एक दूसरे के साथ मिलकर और कार्य विशेष के निष्पादन की योग्यता बन जाती है। इसीलिए इस पड़ाव को संलयन नाम दिया गया है जी। जो हमारा चौथा और आखिरी सोपान है वो रूपांतरण कहलाता है। रूपांतरण यानी रूप में परिवर्तन, रूप का अंतरण। तो जब हम सूचना एवं संप्रेषण प्रौद्योगिकी का शिक्षण अधिगम में प्रयोग करने लगते हैं तो कक्षा कक्ष की परिस्थिति या ये कह ले कि अधिगम की परिस्थिति के स्वरूप में परिवर्तन हो जाता है। एक सामान्य कक्षा कक्ष में विद्यार्थी सक्रिय तो हो सकता है लेकिन उसकी सक्रियता की सीमा बहुत ज़्यादा नहीं होती है, विद्यार्थी की अभिप्रेरणा का स्तर भी कम होता है, लेकिन सूचना एवं संप्रेषण प्रौद्योगिकी से समेकित कक्षा कक्ष में विद्यार्थी की सक्रियता भी अधिक होती है और उसकी अभिप्रेरणा का स्तर भी बहुत ज़्यादा होता है। तो परिस्थिति में परिवर्तन होने के कारण ही इस सोपान का नाम रूपांतरण दे दिया गया है।
तो इस प्रकार से समेकन प्रक्रिया के ये चार सोपान हो जाते हैं। एक बार फिर से नाम बता दें चारों सोपान का। खोजी जी, खोज एवं सामान्य जानकारी की अवस्था जी, या जिसको हम खोजी अवस्था भी कह ले जी, अधिगम एवं अनुप्रयोग की अवस्था जी, संलयन जी और रूपांतरण। ओके, बहुत अच्छा बताया आपने डॉक्टर गिरीश की शिक्षा में कक्षा कक्ष में सूचना एवं संप्रेषण प्रौद्योगिकी के उपकरणों के समेकन की प्रक्रिया क्या है, समेकरण के चरण कौन कौन से हैं। अब चर्चा को आगे बढ़ाते हुए हम जानना चाहेंगे कि इसके कुछ मॉडल्स, उसके कुछ प्रतिमान भी प्रैक्टिस में होंगे जी, तो ऐसे में कौन कौन से प्रमुख प्रतिमान हैं शिक्षा में सूचना एवं संप्रेषण प्रौद्योगिकी के समेकन के। प्रतिमानों की अगर बात की जाए तो अनेक सारे प्रतिमान हैं, लेकिन जो प्रमुख प्रतिमान प्रचलन में है वो तीन हैं। पहला प्रतिमान है एश्योर प्रतिमान जी, हालांकि ये एश्योर आंग्ल भाषा के एश्योर सबसे थोड़ा भिन्न है जिसकी हम बाद में चर्चा करेंगे जी। दूसरा प्रतिमान है आई केयर जी, ये आई केयर भी भिन्नता रखता है आंग्ल भाषा के शब्द से जी। और तीसरा है प्रणालीबद्ध या सिस्टमेटिक प्रतिमान जी। तो सबसे पहले मैं एश्योर प्रतिमान की बात करता हूँ जी। एश्योर प्रतिमान पे शब्द एश्योर जो है वो आंग्ल भाषा के एश्योर शब्द से भिन्न है जी, क्योंकि उसका अर्थ होता है किसी चीज को सुनिश्चित करना जी। और ये एश्योर एक्रोनिम है। हाँ, एक्रोनिम है जी, कि आंग्ल भाषा के वर्णमाला के 6 अक्षरों का एक समूह है और इन 6 अक्षरों का भी अपना अपना अलग अलग अर्थ है। तो उन अर्थ को समझना, इस प्रतिमान को समझने के लिए उन अर्थ को समझना आवश्यक हो जाता है। तो प्रस्तुत रेखा चित्र में हमने उसके अर्थ को समझने की कोशिश की है। एश्योर में पहला अक्षर ए है जिसका अर्थ होता है एनालाइज द लर्नर, अर्थात विद्यार्थियों का विश्लेषण करना जी। भाई हमें जिसे पढ़ाना है उसे तो जानना पड़ेगा बिल्कुल, उसके पूर्व ज्ञान का, उसका पूर्व ज्ञान का क्या स्तर है, उसका मानसिक विकास किस स्तर का है, उसकी शारीरिक स्थिति क्या है, उसका सामाजिक पृष्ठभूमि उसकी कैसी रही है, ये सारी बातों को हमें जानना पड़ता है। तब फिर हम उसे नया ज्ञान या जो कुछ भी हमें पढ़ाना है वो पढ़ाने की प्रक्रिया शुरू करते हैं। तो इस प्रतिमान का पहला तत्व या ए शब्द का जो अक्षर है वो यही है कि विद्यार्थियों का विश्लेषण, एनालाइज द लर्नर जी। दूसरा सोपान या दूसरा तत्व यानी एस जो है वो स्टेट द ऑब्जेक्टिव्स की बात करता है, उद्देश्य कथन, उद्देश्यों को स्पष्ट किया जाता है कि हमारे पढ़ाने का उद्देश्य क्या है, हम क्या पढ़ा रहे हैं और क्यों पढ़ा रहे हैं जी। तीसरा अक्षर एस सेलेक्ट मेथड मीडिया एंड मटेरियल्स की बात करता है, अर्थात विधि, साधन एवं सामग्री का चयन यहाँ किया जाता है। हम किस विधि से पढ़ाएंगे, हम किन उपकरणों का प्रयोग करेंगे, किन शिक्षण सामग्रियों का प्रयोग करेंगे, इन सारी चीज़ों को हम यहाँ पर चयनित कर लेते हैं जी। यू यूटिलाइज टेक्नोलॉजी, प्रौद्योगिकी का उपयोग या जो भी हम चयनित करते हैं, जो विधि हम चयनित करते हैं, जो साधन चयनित करते हैं और जो सामग्री हमने चयनित की है, उन सब का उपयोग इस स्तर पर आकर करते हैं, तभी शिक्षण प्रक्रिया संपन्न होगी बिल्कुल बिल्कुल। पांचवा अक्षर आर बात करता है रिक्वायर लर्निंग पार्टिसिपेशन की जी। भाई टीचिंग और लर्निंग ये एक ऐसी क्रिया है जिसमें टीचर के साथ साथ स्टूडेंट यानी शिक्षक के साथ साथ विद्यार्थी का भी इन्वॉल्वमेंट होना चाहिए। अगर विद्यार्थी का इन्वॉल्वमेंट नहीं है तो लर्निंग होगा ही नहीं। तो इसलिए ये पांचवा अक्षर बात करता है विद्यार्थियों के आवश्यक सहभाग की, रिक्वायर लर्निंग पार्टिसिपेशन की। छठा एवं आखिरी अक्षर ई कहता है इवेल्युएट एंड रिवाइज, मूल्यांकन एवं पुनरीक्षण, मूल्यांकन कीजिए कि आपने जो पढ़ाया विद्यार्थी ने क्या सीखा जी। साथ ही साथ आप अपनी शिक्षण प्रक्रिया का भी मूल्यांकन कीजिए कि आपने जिस विधि का प्रयोग किया क्या वो विधि उस विषय के लिए उपयुक्त थी, जो सूचना एवं संप्रेषण प्रौद्योगिकी के जिन उपकरणों का आपने प्रयोग किया, जिस परिस्थिति में किया, क्या वो सब उपयुक्त थे जी। और उसके बाद पुनरीक्षण यानी कि अगर आपको कहीं कोई कमी लगती है तो उसको सुधार कीजिए और सुधार करके फिर उस
प्रक्रिया को, शिक्षण प्रक्रिया को दोहराइए, ये आपका एस्योर मॉडल कहता है जी। दूसरे मॉडल की जो हमने बात की थी वो आई केयर मॉडल, आई केयर मॉडल की बात की थी, लेकिन आई केयर मॉडल पर जाने से पहले हम लोगों ने जो साधन एवं सामग्री के चयन की बात की है और उस चयन के प्रयोग की बात की है, तो प्रयोग के संदर्भ में जो कि एस्योर मॉडल का हमारा चौथा पड़ाव है जी, वहां पर हम प्रयोग के संदर्भ में 5P योजना का अनुपालन अगर करें तो ये बड़ा श्रेयस्कर हो जाता है हमारे लिए। ये 5P योजना क्या है? ये 5P योजना साधन और विधि और सामग्री के उपयोग की एक योजना होती है जिसमें कि 5 सोपान होते हैं और ये 5ों अंग्रेजी वर्णमाला के पी अक्षर से शुरू होते हैं, इसलिए इन्हें 5P योजना कहा गया जी। पहला पी बताता है कि प्रौद्योगिकी साधन एवं सामग्री के प्रयोग की पूर्व जांच यानी प्रीव्यू जी। इसमें जो भी प्रौद्योगिकी का हमें उपयोग करना है, जो साधन का उपयोग करना है, जिस सामग्री का उपयोग करना है, हम उसको कक्षा कक्ष में प्रयुक्त करने से पहले ही एक बार जांच कर लेते हैं कि क्या वो सभी ठीक से काम कर रहे हैं या कहीं कोई कमी है जी। दूसरा पी कहता है प्रिपरेशन जी, यानी प्रौद्योगिकी साधन एवं सामग्री की प्रयोग पूर्व तैयारी। प्रयोग करने से पहले हम वो तैयारी कर लेते हैं कि इनकी क्या क्या आवश्यकताएं हैं, सारे साधन को एक जगह इकट्ठा कर लेते हैं, उसको रख लेते हैं, जो भी उसके उसकी आवश्यकताएं होती है उसको रख लेते हैं, सब कुछ तैयार करके रख लेते हैं। तीसरा पी कहता है वातावरण की तैयारी, प्रिपरेशन ऑफ इन्वायरमेंट। सिर्फ साधन सामग्री या सूचना संप्रेषण प्रौद्योगिकी के उपकरणों को तैयार कर लेने से ही काम हमारा नहीं बनता, नहीं बनता है जी। क्योंकि अगर वातावरण ही उसके उपयुक्त ना हो तो हम कैसे प्रयोग करेंगे, नहीं कर सकते। तो वातावरण को भी हमें तैयार करना है। अब मान लीजिए कि हमने कक्षा कक्ष में सारे साधन मुहैया करा दिए और कक्षा कक्ष में विद्युत की व्यवस्था ही नहीं है, पावर सप्लाई ही नहीं है, तो कैसे हम इन साधनों का प्रयोग करेंगे जब हमारा वातावरण ही हमें नहीं सपोर्ट कर रहा है। हाँ, नहीं कर सकते। तो इसलिए हमें वातावरण की तैयारी भी करनी होती है। चौथा पी कहता है प्रिपरेशन ऑफ स्टूडेंट्स, भाई जिसे पढ़ाना है और जिससे हमें सहयोग लेना है उन्हें भी तो तैयार करना पड़ेगा जी। हमें उन्हें भी बताना पड़ेगा कि हम किन तकनीकी साधनों का प्रयोग करने जा रहे हैं, क्या विधि अपनाएंगे, इसमें आपकी क्या भूमिका होगी, आपको इससे क्या नया सीखने को मिलेगा, कैसे इन साधनों का उपयोग कर सकते, आदि तथ्यों से हमें विद्यार्थियों को रूबरू कराना पड़ता है, विद्यार्थियों को अवगत कराना पड़ता है, यानी विद्यार्थियों को हमें पूर्ण रूप से तैयार करना पड़ता है। पांचवी बात यानी पांचवा पी कहता है प्रोवाइड लर्निंग एक्सपीरियंसेज, अधिगम अनुभवों को प्रदान करना। जब ये सारी बातें तैयार हो जाती हैं तो अंत में जो भी विषय वस्तु हमें पढ़ाना होता है उसे पढ़ाकर और हम विद्यार्थियों को अधिगम अनुभव प्रदान करते हैं। तो इस प्रकार से ये 5P मॉडल जो है वो एश्योर मॉडल में जब हमें यूटिलाइज करना होता है, जब हमें अपने साधनों का प्रयोग करना होता है, वहाँ पर इसका उपयोग श्रेयस्कर करते हैं, मतलब यू के लेवल पे जी। अब बारी आती है आई केयर प्रतिमान की जी। तो जैसा कि मैंने कहा कि आई केयर भी वो अंग्रेजी के शब्द वाक्य आई केयर यानी मैं देखभाल करता हूँ या मैं सावधान हूँ भी कह सकते हैं हम जी। तो उनसे भिन्न है, ये भी एक क्रोनिम है और आंग्ल भाषा की वर्णमाला के 5 अक्षरों से मिलकर बना है। 5ों अक्षर एक अपना अर्थ रखते हैं, उस अर्थ को भी समझना हमारे लिए, क्योंकि अगर पूरे प्रतिमान को समझना है तो बिना अक्षरों के अर्थ को समझे हम प्रतिमान समझ नहीं सकते हैं। तो उस अर्थ को भी हम इस प्रकार देख सकते हैं, आई यानी कि इंट्रोडक्शन, प्रस्तावना जहां हम विषय वस्तु को प्रस्तावित करते हैं, सी यानी कंटेंट अर्थात विषय वस्तु हमें क्या पढ़ाना है उसकी बात करते हैं, ए यानी एक्टिविटी कार्यकलाप अर्थात विद्यार्थी यहाँ क्या काम करेंगे, शिक्षण अधिगम प्रक्रिया के दौरान विद्यार्थी की भूमिका क्या होगी, उनके क्या कार्यकलाप होंगे, आर यानी रिफ्लेक्ट चिंतन, हम अपनी प्रक्रिया के ऊपर चिंतन करते हैं, हम उसकी विशेषताओं को उसकी सीमाओं को देखते हैं तय करते हैं, हमें कहाँ और उन्नत करना है अपनी प्रक्रिया को इसको देखते हैं, और फिर 5वां ई यानी एक्सटेंड विस्तार प्रदान करना, चिंतन के फलस्वरूप हमें जो परिणाम प्राप्त होते हैं उसके आधार पर हम पूरी प्रक्रिया को विस्तार देते हैं। ये आई केयर मॉडल की बात हो जाती है।
ये दोनों जो मॉडल की हमने बात की, एस्योर मॉडल और आई केयर मॉडल की, ये मॉडल प्रयुक्त में तो है, प्रयोग में तो बहुत आयत से हैं, लेकिन इनकी एक कमी है। कमी ये है कि ये किसी तार्किक आधार पर नहीं बनाए गए हैं। अच्छा। अर्थात ये मॉडल जो है, हमें ये प्रतिमान हमें इस बात का उत्तर नहीं देते हैं कि क्यों हम इन्हीं क्रम में इनका उपयोग करें। इस क्यों का उत्तर हमें इन प्रतिमान की सहायता से नहीं मिलता, नहीं मिल पाता है। सिर्फ एक निर्देश हम विद्यार्थियों के अधिगम प्रक्रिया को दे पाते हैं, लेकिन जो तार्किक आधार होना चाहिए वो हम नहीं दे पाते हैं। तो इसके लिए आगे चलकर एक और प्रतिमान का विकास हुआ, जिसको कि सिस्टमेटिक मॉडल या प्रणालीबद्ध प्रतिमान कहा गया है। अब चूंकि ये सिस्टमेटिक ही है, नाम ही इसका सिस्टमेटिक है, प्रणालीबद्ध है, तो स्पष्ट है कि इसके जो विभिन्न सोपान हैं या जो विभिन्न तत्व हैं, इसके बीच में एक तार्किक क्रम है। उस तार्किक क्रम के कारण ही इसको प्रणालीबद्ध कहा गया है। और इस प्रतिमान के 6 मुख्य तत्व हमें मिलते हैं। समस्या कथन इसका पहला मुख्य तत्व होता है, जहां पर हम पढ़ाए जाने वाले विषय, जो भी विषय हमें पढ़ाना है, उससे संबंधित किसी समस्या या मुद्दे को प्रस्तुत करते हैं। जैसे मान लीजिए कि हम जल पढ़ा रहे हैं, तो जल अपने आप में एक वृहत संप्रत्यय है। इस वृहत संप्रत्यय से संबंधित एक बड़ी समस्या हमारे सामने आजकल है कि भारतीय परिदृश्य में कैसे जल को प्रदूषित करने से रोका जा सकता है या जल को प्रदूषित होने से रोका जा सकता है। ये एक बड़ी समस्या है जिसको कि हम अपने प्रतिमान के समस्या कथन सोपान पर प्रस्तुत कर सकते हैं, और यहीं से समेकन की प्रक्रिया की शुरुआत हो जाती है। ये प्रारंभिक बिंदु होती है, क्योंकि हर एक समस्या को हम सूचना प्रौद्योगिकी के हर एक उपकरण के साथ नहीं संबंधित कर सकते हैं। समस्या के स्वरूप के अनुरूप प्रौद्योगिकी के उपकरण का स्वरूप भी बदल जाता है। तो अगर समस्या कथन हमारा स्पष्ट है, तो हम कौन सी प्रौद्योगिकी का हमें प्रयोग करना है, ये भी हम स्पष्ट रूप से यहीं पर निर्धारित कर लेते हैं। दूसरा सोपान है अधिगम उद्देश्य। हमें बताना पड़ेगा ना कि हम क्यों पढ़ रहे हैं कि प्रदूषण से रोकथाम, हमें इससे क्या मतलब है। तो अधिगम उद्देश्य में हम स्पष्ट रूप से ये बताते हैं कि इसको पढ़ने के बाद क्या होना है, और उसको लिखने के लिए एक निश्चित संरचना का प्रयोग किया जाता है। जैसे उदाहरण के तौर पर हम अगर जल की बात करें, तो हम ये कह सकते हैं कि इस शीर्षक के अध्ययन के उपरांत प्राथमिक स्तर के विद्यार्थी भारतीय परिदृश्य में जल प्रदूषण के उपायों का वर्णन कर सकेंगे। इस तरह की संरचना में हम इसको लिखते हैं। तीसरा सोपान है आवश्यक तकनीकी का। जब हमने समस्या बता दी, समस्या प्रस्तुत कर दी, और हमने अधिगम के उद्देश्य बता दिए कि हम इसको क्यों पढ़ा रहे हैं, अध्ययन अध्यापन का कार्य क्यों हो रहा है, तो अब किन तकनीकी के माध्यम से हम उस वांछित अधिगम परिणाम को प्राप्त करेंगे, यहाँ इस तीसरे सोपान पर हम निर्धारित करते हैं कि प्रस्तुत समस्या को पढ़ाकर जो हमें वांछित अधिगम परिणाम प्राप्त करना है, उसके लिए हम कौन सी तकनीकी का प्रयोग करेंगे, और सारे संभावित उपकरण, जितने भी संभावित उपकरण उपलब्ध हैं, उन सबका बहुत ही सावधानीपूर्वक तुलना करके और हम उपयुक्त उपकरण का चयन करते हैं। चयन कर लिया, लेकिन सिर्फ चयन करने से तो काम नहीं चलेगा। हमने चयन कर लिया कि यही है, तो यही क्यों है, उस यही का औचित्य स्थापन करना पड़ता है, यानी तकनीकी के प्रयोग का औचित्य स्थापन हमारा चौथा पड़ाव हो जाता है। औचित्य स्थापन करने के लिए अगर हम कुछ प्रश्नों के स्पष्ट उत्तर प्रदान कर दें, तो औचित्य स्थापन स्वतः हो जाता है। कुछ मुख्य प्रश्नों का मैंने यहाँ जिक्र किया है, जैसे यह तकनीकी इस समस्या के लिए क्यों आवश्यक है, यानी जो तकनीकी का हम प्रयोग करने जा रहे हैं वो इस समस्या के लिए क्यों आवश्यक है, यह तकनीकी नया क्या प्रदान करेगी, यदि हम इस तकनीकी का न प्रयोग करें तो भी हमें वही परिणाम प्राप्त हो रहा है, और तकनीकी का प्रयोग करने के बाद भी अगर वही परिणाम प्राप्त हो रहा है तो फायदा क्या है उस प्रयोग का, नया क्या है। तीसरी बात, यह शिक्षण प्रक्रिया में कैसे हमारी सहायता करती है। अगर इन तीन प्रश्नों का हम उत्तर दे देते हैं, तो तकनीकी के प्रयोग का औचित्य स्थापन स्वतः सिद्ध हो जाता है। पांचवा तत्व, अनुप्रयोग की रणनीति तय करना होता है।
हमने तकनीकी का चयन कर लिया, हमने समस्या कह दी, हमने अधिगम कह दिया, अधिगम के उद्देश्य कह दिए, सब कुछ कह दिया हमने, तो अब हम उस तकनीकी को कैसे अनुप्रयोग करेंगे, उसका कैसे उसको प्रयोग में लाएंगे जी। तो यहाँ पर हमें यह तय करना होता है कि जो भी चयनित तकनीकी का शिक्षण अधिगम प्रक्रिया में प्रभावी एवं सार्थक उपयोग किया जाएगा उसका उपाय क्या होगा, कब करेंगे, किस परिस्थिति में करेंगे, आदि सारी चीज़ें हम यहाँ पर तय करते हैं। और इसके लिए भी हम कुछ प्रश्नों का सहारा लेते हैं, जैसे कौन से संसाधन हमें प्रयोग करने हैं जी, विभिन्न वातावरण में इन संसाधनों का उपयोग कैसे किया जाए जी। विभिन्न वातावरण से आसे अगर प्रयोगशाला की बात करते हैं तो दो तरह की प्रयोगशालाएं देखने को मिल सकती है, एक संपूर्ण प्रयोगशाला जहां पर कि हर एक विद्यार्थी के लिए एक कंप्यूटर की व्यवस्था हो, और दूसरा है अर्ध संपूर्ण प्रयोगशाला जहां कि एक कंप्यूटर को दो विद्यार्थी साझा कर रहे हों। तो किस परिस्थिति में हम इसका कैसे उपयोग करेंगे, इन्हीं संसाधनों का क्यों उपयोग किया जाए, शिक्षण के दौरान विद्यार्थी क्या कार्यकलाप करेंगे जी। ये कुछ प्रश्न है जिनका अगर हम समाधान कर लेते हैं तो हमें अनुप्रयोग की रणनीति बनाने में सुविधा होती है। छठा और आखिरी सोपान होता है चिंतन एवं भावी सुझाव का। प्रयुक्त तकनीकी के औचित्य हमने तय कर लिया, हमने उसकी विशेषताएं देख ली, उसका प्रयोग देख लिया, सब कुछ देखने के बाद जब हम चिंतन करते हैं तो चिंतन के केंद्र में हम तकनीकी के औचित्य, उनकी विशेषताओं, उसकी सीमाओं को ही रखते हैं, देखते हैं कि हमने जो औचित्य स्थापन किया है क्या वो उपयुक्त है या अपने मन के आधार पर हमने कर दिया है। जो उसकी विशेषताएं हैं, जो उस परिस्थिति विशेष में सूचना प्रौद्योगिकी के उपकरण के प्रयोग की बात करती है कि इन विशेषताओं के कारण इसका प्रयोग किया जाना चाहिए, जो उसकी सीमाएँ हैं क्या वो उपयुक्त हैं या उसमें कुछ कहीं कमी है, उसमें और सुधार की संभावना है, तो अगर ऐसा होता है तो हम सुधार करते हैं, उसको और उन्नत बनाने की कोशिश करते हैं। इसके अलावा हम यहाँ यह भी सुझाव दे सकते हैं कि अन्य शिक्षक विद्यार्थियों के भिन्न भिन्न समूह के साथ कैसे इसका प्रयोग कर सकते हैं जी। तो इस प्रकार से प्रणालीबद्ध उपागम के ये 605 हो जाते हैं जी। तो दर्शकों, आज हमने जाना कि सूचना एवं संप्रेषण प्रौद्योगिकी के शिक्षण अधिगम की प्रक्रिया में समेकन के बारे में हमने चर्चा की डॉक्टर गिरीश से। डॉक्टर गिरीश ने हमें बड़े अच्छे से बताया कि समेकन क्या है, समेकन के सोपान कौन कौन से हैं, और समेकन की जो प्रक्रिया है उसके कौन कौन से प्रतिमान हैं, जिसमें आपने जाना एश्योर प्रतिमान, आई केयर प्रतिमान और सिस्टमेटिक प्रतिमान। इस ज्ञानवर्धक जानकारी के लिए और हमारे स्टूडियो में आने के लिए डॉक्टर गिरीश का बहुत बहुत धन्यवाद जी। नमस्कार। साथ ही आप सबका भी बहुत बहुत अभिवादन। नमस्कार।